हेलो बच्चों, आज हम बात करेंगे आपका ये क्लास 9th है, चैप्टर 4 है, लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल, है ना। लीनियर ये चैप्टर 4 हो गया, इससे पहले वाला कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर कंप्लीट हो गया है। क्लास 9 चैप्टर 4 लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल, और इसमें हम एक्चुअली ये लेक्चर का हमने थोड़ा फंडा फॉर्मेट हमने चेंज कर दिया। इससे पहले आपने देखा था जो वीडियोस थी 9 लेक्चर 10 11 12 13 14 अप टू सो ऑन, है ना, 20, इसमें थोड़ा हमने चेंज कर लिया। वो मैं इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। चैप्टर 4 है, चैप्टर 4 का ये इंट्रोडक्शन पार्ट का लेक्चर है, यानी कि पहला लेक्चर है, तो ये 4.1 हो गया। जब इसका दूसरा लेक्चर आप मेरा सुनोगे तो 4.2 होगा, लेक्चर 4.2। एक्सरसाइज की अलग की बात है, एक्सरसाइज कौन सी है वो एक बात का मैटर है, बट ये लेक्चर की बात है ना। ये लिखा हुआ है लेक्चर 4.1, दैट इज 4 चैप्टर का फर्स्ट लेक्चर हो गया। फिर हम लिखेंगे लेक्चर 4.2, दैट इज लेक्चर चैप्टर 4 का लेक्चर सेकेंड होगा। 4.3 का मतलब हो गया लेक्चर इन चैप्टर 4 का लेक्चर थर्ड आपका, इस टाइप से, है ना। ठीक है, तो हम लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल की हम बात कर रहे हैं। लीनियर इक्वेशन, इससे पहले हमने आपको पॉलीनोमियल में बहुत कुछ समझा दिया था, है ना, लीनियर क्वाड्रेटिक जो भी है। अब वन वेरिएबल, ये आपको पता है कि लीनियर इक्वेशन क्या है, लीनियर जिसमें वेरिएबल वन हो। टू वेरिएबल, तो यहाँ पे जो भी सारा वर्कआउट होगा वो आपका टू वेरिएबल पे होगा। एक्स वाई मान लेंगे, जेड टी मान लेंगे, वट एवर जो भी कुछ है, हम टू वेरिएबल की बात करेंगे, यानी कि इक्वेशन हमारा लीनियर ही होगा। लीनियर का मतलब पहली बात आप समझ लेंगे, ऐसा वेरिएबल जिसकी मैक्सिमम पावर वन हो, दैट इज लीनियर इक्वेशन आपका हो गया, है ना। अब वन वेरिएबल तो उसमें केवल वन ही वेरिएबल होगा, टू वेरिएबल तो उसका मतलब एक से ज्यादा होंगे, यानी दो वेरिएबल पे हम इसमें काम कर लेंगे। तो ये हो गया लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इस चैप्टर का नाम है। तो इस पे सारा का सारा इसके रूट्स, इसके इक्वेशन या इसका फॉर्मेटिंग तैयार करना, एलजेब्रिकली मेथड से, ग्राफिकली मेथड से, जो भी है वो हम टोटल इसमें वर्कआउट करेंगे, वो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, यानी कि दो वेरिएबल हों हमारे पास। मोस्टली हम इसका स्टैंडर्ड फॉर्म, जैसे हम बात करें लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, जैसे हमने आपसे कहा था लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, तो ए एक्स प्लस बी इक्वल टू जीरो, वेयर ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, ए एंड बी आर रियल नंबर्स, इस पर हमारी बात थी। ये सब हमने पॉलीनोमियल, ये हम इसलिए स्पीड में बोल रहे हैं, इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि पॉलीनोमियल में सब इससे पहले काम हो गया है चैप्टर 2 में। अगर आपने नहीं देखा है तो चैप्टर 2 आप उसमें देख लीजिएगा, उसमें भी थोड़ा सा हम जो हमारा लेक्चर का फॉर्मेट है, अब आपको 2.1 2.2 2.3, तो ये सब थोड़ा सा आप लोगों के लिए आसानी रहेगी। तो अब हम लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल की बात कर रहे थे, तो स्टैंडर्ड फॉर्म इसका बेटा होता है ax + b = 0, वेयर a एंड b आर रियल नंबर हो गया, है ना, और ए कभी जीरो हो नहीं होना चाहिए, क्योंकि ए जीरो हो जाएगा तो फिर कोई मतलब नहीं बनता। दूसरी बात, इसका जो है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में जब हम बात करेंगे, तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल यानी दो वेरिएबल हो, तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, वेयर ए बी सी आर रियल नंबर्स एंड ए इज नॉट इक्वल टू जीरो और बी इज नॉट इक्वल टू जीरो, ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम देखें 2x + 3y + 5 = 0, तो 2x + 3y प्लस 5 इक्वल टू 0, तो वेरिएबल इसमें x और y है, और जो हमारे रियल नंबर है वो 235 आपके हो गए। फिलहाल इन सारी चीज़ों पे हम यहाँ पे बात करेंगे एक एक करके, तो स्टार्टिंग हम स्टार्ट कर लेते हैं इक्वेशन इन वन वेरिएबल, वन वेरिएबल की बात कर लेते हैं ना, कम टू द पॉइंट। आइए देखिए, हम बात करते हैं आपसे इक्वेशन इन वन वेरिएबल, तो लिखा है द इक्वेशन इन द इक्वेशन इन्वॉल्विंग द इक्वेशन इन्वॉल्विंग ओनली वन वेरिएबल आर कॉल्ड इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। कितनी अच्छी सी बात है, ऐसा इक्वेशन द इक्वेशन इन्वॉल्विंग ओनली वन वेरिएबल, जिसमें वन वेरिएबल, अब चाहे वेरिएबल हो एक्स हो वेरिएबल, चाहे वाई हो, चाहे जेड हो, चाहे टी हो, चाहे एच हो, वट एवर, तो द इक्वेशन इन्वॉल्विंग ओनली वन वेरिएबल, ऐसा इक्वेशन जिसमें केवल केवल वन वेरिएबल इन्वॉल्व हो, उसे हम बोल देते हैं आर कॉल्ड इक्वेशन इन वन वेरिएबल, है ना। इसमें लीनियर की बात नहीं कर रहा है, केवल इक्वेशन इन वन वेरिएबल की बात कर रहे हैं, तो थोड़ा समझ के रखो आप सारी बात है, समझोगे नहीं तो दिक्कत आ जाएगी आपको। अगर सर आप पढ़ा क्या रहे हो, बोल क्या रहे हो, हम ठीक पढ़ा रहे हैं, आप थोड़ा सा समझ नहीं पाओगे, सुनोगे नहीं ढंग से तो दिक्कत आएगी। इसमें लीनियर शब्द, लीनियर जो वर्ड है वो आपका ऐड नहीं है, ये जनरल बात कर रहे हैं, इक्वेशन इन वन वेरिएबल की बात कर रहे हैं, वो लीनियर भी हो सकता है, क्वाड्रेटिक भी हो सकता है, क्यूबिक भी हो सकता है, व्हाटएवर जो भी हो वो कुछ भी हो सकता है आपका। तो दी इक्वेशंस The equations involving only one variable are called equation in one variable. ये आपका हो गया। जैसे for example की बात कर लें, 2x plus 7 is equal 0 हो गया। इसमें variable आपका x है। तो ये linear आपका हो गया। 2x plus 7 equal to 0. ये example है इसका। किसका है? ये linear equation का है। In one variable का है। What
कैसा है ये लीनियर आपका हो गया। आगे हम बात करते हैं 3y² + 8 = 0, ये क्वाड्रेटिक आपका है, ये क्वाड्रेटिक हो गया। क्यों? क्योंकि इसमें जो वेरिएबल y है उसकी मैक्सिमम पावर 2 है। उसके बाद हम थर्ड वाले पे बात करेंगे, 4t³ - 9 = 0 हो गया। वेरिएबल क्या है? t है। कैसा है कि पावर कितनी है? 3 है। इसकी मैक्सिमम पावर क्या है? 3 है। तो ये कैसा हो गया? क्यूबिक आपका हो गया। तो अब ये क्या है, यानी इक्वेशंस है इन वन वेरिएबल। इसमें वेरिएबल आपका x हो गया, इसमें वेरिएबल y हो गया, इसमें वेरिएबल आपका ये t हो गया। तो वही उन्होंने कहा था, दी इक्वेशंस इन्वॉल्विंग ओनली वन वेरिएबल आर कॉल्ड इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। ये आपके पास एग्जांपल हो गया, है ना। अब हम बेटा बात कर लेते हैं इसके बाद लीनियर इक्वेशन की, है ना। अभी तक तो आपने इक्वेशन इन वन वेरिएबल की बात की, अब आप बात करेंगे लीनियर इक्वेशन के। तो लीनियर इक्वेशन में लिख रहे हैं, एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग ओनली लीनियर पॉलीनोमियल। क्या बोल रहे हैं? लीनियर इक्वेशन की यहाँ पर हम बात करेंगे, तो लीनियर पॉलीनोमियल ही हम उसमें डिफाइन करेंगे, है ना। लीनियर इक्वेशन यानी एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग, एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग ओनली लीनियर पॉलीनोमियल इज कॉल्ड ए लीनियर इक्वेशन। ऐसा हम लीनियर इक्वेशन किसे कहते हैं जिसमें लीनियर पॉलीनोमियल इन्वॉल्विंग हो, कंसिडर करें। जैसे लीनियर पॉलीनोमियल आप जान ही रहे हो, है ना, ऐसा पॉलीनोमियल जिसमें किसी वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 1 हो, दैट इज लीनियर लीनियर पॉलीनोमियल हो गया। तो वही है, एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग ओनली लीनियर पॉलीनोमियल, इस चीज को थोड़ा सा याद रखें, है ना, तो इस कॉल्ड ए लीनियर इक्वेशन हो गया। इसका एग्जांपल हमने बहुत अच्छे से दिए हैं आपको, फॉर एग्जांपल 2x - 5 = 7 हो गया। इसमें क्या है आपका, ये लीनियर पॉलीनोमियल हो गया, यानी कोई वेरिएबल है जिसकी मैक्सिमम पावर 1 है, तो ये 2x - 5 = 7, तो ये इक्वेशन हो गया, है ना। अगला है 3y - 8 = 9 है, क्योंकि 3y - 8 = 9 है, इसमें वेरिएबल आपका y है कि मैक्सिमम पावर 1 है, तो ये लीनियर पॉलीनोमियल हो गया। अगला क्या है बेटा एग्जांपल, बहुत सारे हो सकते हैं, √3t, देखो ये तो रियल नंबर्स हैं, इनसे कोई मतलब नहीं, √3t + 6√2 = 3√2, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इसमें वेरिएबल हमारा ये लीनियर है क्योंकि इसमें t की मैक्सिमम पावर 1 है, तो ऐसे करके, है ना, ये रियल नंबर है, ये कुछ भी हो सकते हैं, इससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बट हमारा जो वेरिएबल है उसकी पावर फ्रैक्शनल नहीं होना चाहिए। ये भी हमने आपको पॉलीनोमियल चैप्टर में डिफाइन किया था, है ना, ठीक। पॉजिटिव इंटीजर इसकी पावर होनी चाहिए, यानी प्लस होना चाहिए, ठीक है, माइनस भी नहीं। तो ये बहुत सारे एग्जांपल हैं, इन्होंने लिखा है इन पर्टिकुलर ए लीनियर इक्वेशन, अभी लीनियर इक्वेशन की बात कर रहे थे, अब इसका स्टैंडर्ड फॉर्म जो अभी हमने आपको चैप्टर का इंट्रोडक्शन पार्ट पे ही हम काम कर रहे हैं, स्टार्टिंग करने से पहले हमने आपको ये बताया था, वही हमने यहाँ लिखा हुआ है, इन पर्टिकुलर ए लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हैज द स्टैंडर्ड फॉर्म ax + b = 0। इसका हमने आपसे कहा था कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है वो ax + b = 0 होता है, वेयर a≠0 और a और b रियल नंबर्स होते हैं। वही आपसे कह रहे हैं, ए लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हैज द स्टैंडर्ड फॉर्म ax + b = 0 वेयर a एंड b आर रियल नंबर्स एंड a≠0। ये आपकी डेफिनेशन होगी जो कि हमने बहुत पहले भी आपको डिफाइन कर दी थी, है ना। अब बेटा लीनियर इक्वेशन भी हो गया, है ना, इक्वेशन वन वेरिएबल हो गया, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल भी हो गया। अब हम इसके सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं, किसका सॉल्यूशन होगा क्या, है ना, इनका सॉल्यूशन क्या होगा, इसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो सॉल्यूशन को ही हम रूट बोल देते हैं, आपको मालूम है, जैसे ax + b, इस पे भी आपका काम हो गया है, तो यहाँ से हम लिखेंगे क्या, ax = b, x = b / a हो गया। तो हमने आपको पॉलीनोमियल में ये बताया था, इसी को हम सॉल्यूशन बोलते हैं और इसी को हम रूट भी रूट बोल देते हैं, है ना। तो सॉल्यूशन या और रूट ऑफ एन इक्वेशन, तो इस पे हमने काम किया, तो इसकी डेफिनेशन हम लिख पा रहे हैं, द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल, द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल फॉर दिस द इक्वेशन इज सेटिस्फाइड, द वैल्यू ऑफ वेरिएबल यानी वेरिएबल की वो वैल्यू कौन सी, x = -b / a, जिससे हमारा ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए। सेटिस्फाई का मतलब क्या है, x LH, इस इक्वेशन में LHS में रखें और RHS आपका आ जाए। कैसे, आपके पास LHS है क्या इसमें भाई, LHS ये है ax + b, RHS ये क्या है, 0 है, a 2, x की वैल्यू क्या है -b / a प्लस का बी, ए से ए कैंसिल, -b + b, दैट इज 0 आ गया, RHS आपके पास आ गया। तो वही तो है, ये द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल
यानी कि वेरिएबल की वैल्यू, द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल फॉर विच, जिसके लिए द इक्वेशन इज सेटिस्फाइड इज कॉल्ड द सॉल्यूशन और रूट ऑफ द इक्वेशन, यानी कि उस इक्वेशन की वो वैल्यू जिसके लिए उस इक्वेशन की उस वेरिएबल की वो वैल्यू जिसके लिए हमारा इक्वेशन सेटिस्फाइड है उसे हम सॉल्यूशन या रूट बोल देते हैं, है ना। वही लिख पा रहे हैं ये, द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल यानी वेरिएबल की वो वैल्यू फॉर विच, जिसके लिए द इक्वेशन इज सेटिस्फाइड, हमारा इक्वेशन क्या हो जाए सेटिस्फाइड हो जाए, इज कॉल्ड द सॉल्यूशन या और रूट ऑफ द इक्वेशन, है ना। ठीक है, ये इस पे काम हो गया। 10, अब फिर हमने लिखा है एक डेफिनेशन के तौर पे, ए सॉल्यूशन और रूट, ए सॉल्यूशन या और रूट ऑफ ए, ए सॉल्यूशन या रूट ऑफ ए, दस ए सॉल्यूशन और रूट ऑफ ए लीनियर इक्वेशन इज द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल, ए सॉल्यूशन ऑफ ए लीनियर इक्वेशन यानी लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन या रूट इज द वैल्यू ऑफ द, ये डेफिनेशन है खाली, इज द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल विच मेक्स द टू साइड्स ऑफ द इक्वेशन युक्ल, विच मेक्स द टू साइड्स ऑफ द इक्वेशन युक्ल, दैट इज विच सेटिस्फाई द इक्वेशन। देखो सिंपल सी बात है, हमने क्या लिखा है इसमें, x की जो वैल्यू माइनस बी अपॉन ए आ गई, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, है ना। यानी कि इसकी वैल्यू आपने LHS में रखी तो RHS आ गया, यानी कि x की वैल्यू जो हमारी दोनों साइड को सेटिस्फाई करे, यानी कि विच मेक्स द टू साइड्स ऑफ द इक्वेशन युक्ल, जो इक्वेशन को दोनों साइड से युक्ल करते हैं यानी सेटिस्फाई करते हैं, दैट इज विच सेटिस्फाई द इक्वेशन या सेटिस्फाई करते हैं, वही इसका सॉल्यूशन होता है, वही इसका रूट होता है। फिर उन्होंने ये लिखा है, और एक तीसरी डेफिनेशन और है, टू सॉल्व एन इक्वेशन मींस, इसका मीन ये होता है टू फाइंड इट्स रूट या रूट्स, रूट मतलब सिंगुलर है, रूट्स मतलब प्लूरल है, एक से ज्यादा वैल्यू रूट्स की हम बोलेंगे। टू सॉल्व एन इक्वेशन मींस टू फाइंड इट्स रूट बाय एलजेब्रिक या ग्राफिकल मेथड से, एलजेब्रिक मेथड से या ग्राफिकल मेथड से, तो ये आपका एलजेब्रिक हो गया। ग्राफिकल भी आप पढ़ चुके हो, बात बाकी इसमें आगे भी है। ग्राफिकल मेथड में आप पढ़ोगे लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल के लिए, जो अभी आपने चैप्टर 2 में ये पढ़ा है ग्राफिकल मेथड, उसमें आपने ये पढ़ा था लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के लिए, है ना। क्या कोई बात नहीं, तो जब आगे आप पढ़ोगे तो समझ में बहुत अच्छे से आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो इसमें यही बोल रहा है, टू सॉल्व एन इक्वेशन मींस टू फाइंड इट्स रूट बाय एलजेब्रिक या ग्राफिकल मेथड, या एलजेब्रिक मेथड या फिर ग्राफिकल, हम दोनों से भी हम इस पे बात कर लेंगे, है ना, बहुत आराम से, कोई दिक्कत नहीं। अब हमारा ये हो गया, अगला जो हमारा टॉपिक है बेटा, अगला हमारा जो टॉपिक है लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल, इसके हम जरा देख लेते हैं। लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल, देखिए इस पे, देखिए भैया क्या बोल रहा है, ये है, ये बोल रहा है लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल, अभी तक वन वेरिएबल की बात की, मतलब क्या कि ऐसा इक्वेशन जिसमें वेरिएबल वन हो, जैसे ए एक्स प्लस बी इक्वल टू जीरो, ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। अब हम टू वेरिएबल, ये भी हमने डिफाइन आपको कर दिया है, लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल मींस एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax + by + c = 0। देखो बेटा ये डेफिनेशन है, एग्जाम में पूछी जाए जाना पूछा है, अब तो आपका 10 12 ऑब्जेक्टिव आपका हो गया, कुछ भी पूछा जा सकता है, एवरीथिंग इज पॉसिबल इन एग्जाम, एग्जाम में सब कुछ पॉसिबल है, कुछ भी पूछ सकता है आपसे, यही पूछ सकता है एन इक्वेशन ऑफ द, आपसे पूछ सकता है एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल ax + by + c = 0, दूसरा ऑप्शन ax + b = 0, 2x माइनस 5 इक्वल टू 8, मतलब वट एवर जो भी स्टैंडर्ड फॉर्म आपसे पूछ सकता है, तो उस पर ये सब आपको आना चाहिए। ऐसा नहीं जब तक स्टार्ट कर दिया आपने डायरेक्ट एक्सरसाइज पे आ गए, है ना, जब तक हमारा बेसिक फंडामेंटल या इंट्रोडक्शन पार्ट जब हम नहीं करेंगे, जब तक इस पर काम नहीं करेंगे, इसमें क्या क्या आर्टिकल है, तब तक कुछ समझ में आएगा नहीं आपको, है ना। तो लॉन्ग टर्म वाले प्रोसीजर पे आपको जाना है, बहुत आसानी से सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। तो लिखा है एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax + by + c = 0, वेयर ए बी सी आर real numbers and a is not equal to 0, b is not equal to 0 is called a linear equation in two variables, x and y linear equation in two variables unknown है ना, और ये x and y are called variables, इसमें x और y को variable बोल देते हैं, मतलब इसमें ये कह रहे हैं सीधी सी बात है कि ax plus by plus c equal to 0 आपके पास हो गया। तो ये क्या है, ये आपका लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, जिसमें a इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, b इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, है ना,
एंड और क्या बोल रहे हैं कि ए बी एंड सी आर रियल नंबर्स, ये डेफिनेशन हो गया आपके। और एक्स वाई क्या है, ये वेरिएबल है आपके पास, कितने हैं, टू वेरिएबल हैं, इसीलिए इसका नाम हो गया लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, वेयर ए बी सी आर रियल नंबर्स एंड ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, वी इज नॉट इक्वल टू जीरो, इज कॉल्ड ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, x and y, where x and y are called variables. For example, अब उन्होंने example बहुत सारे दिए हैं, जैसे हम इसका कोई सा भी example अब ले लें इसके बेस पे, है ना, तो ये हो गया 2x plus का 5y minus या plus 9 equal to 0 आपके पास हो गया, है ना। दूसरा example इनका ये है x upon 2 plus y upon 3 is equal 1 upon 4, इसका LCM लेंगे तो ये format आपका आएगा ax plus by plus c equal to 0। अगला है आपका root 2x plus root 3y is equal root 5, ये भी आपका इसी का फॉर्मेट है, ax plus by plus c equal to 0, बहुत सारे एग्जांपल इसके होंगे, है ना। तो ये हो गया लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल, आप इसे नोट कीजिए, फिर हम इस पे आगे बात करते हैं। अभी बेटा हम इसके बाद बात करते हैं सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल, सॉल्यूशन ऑफ ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लिखा है the pair of values of x and y, the pair of values of x any x or y के values का pair, the pair of values of x and y which satisfy the given equation, the pair of values of x and y which satisfies the given equation is called a solution of the equation। यानी कि जो हमारा pair यानी x और y की ऐसी value जो हमारे इस पूरे equation को satisfy करे, उसे हम क्या बोल देते हैं, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल, वही इसका सॉल्यूशन होता है ना। वही तो आपसे कह रहे हैं, दी पेयर ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई व्हिच सेटिस्फाइज दी गिवन इक्वेशन इज कॉल्ड ए सॉल्यूशन ऑफ दी इक्वेशन, इसे ही हम उसका सॉल्यूशन बोल देते हैं, इन अदर वर्ड्स, है ना। इन अदर वर्ड्स, ए सॉल्यूशन ऑफ ए लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स, ए सॉल्यूशन ऑफ ए लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल इंप्लाइज ए पेयर ऑफ वैल्यूज, वन फॉर एक्स एंड दी अदर फॉर वाई, यानी एक x के लिए वैल्यू होती है, दूसरी वाली y के लिए होती है, विच यानी इसका मतलब ये हो गया, जैसे ये लिखा है x कोमा वाई, यानी ये लिखा है 2 कोमा 3 लिखा है, इसका मतलब पहली वैल्यू x के लिए, दूसरी वाली वैल्यू y के लिए, तो वही कह रहे हैं, इन अदर वर्ड्स ए सॉल्यूशन ऑफ ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स इम्प्लाइज ए पेयर ऑफ वैल्यूज, वन फॉर x एंड दी अदर फॉर y, विच when substituted, यानी जिस वैल्यू को when substituted in the given equation, जब उस इस वैल्यू को उस equation में हम substitute करते हैं, तो makes its both these sides equal, तो ये क्या करती है, दोनों साइड को equal कर देती है, makes its both these sides equal, तो ये दोनों साइड को equal कर देती है, वो इसका solution होता है। For example, thus if x equal to alpha and y equal to beta satisfy the equation ax plus by plus c equal to 0, हमने ये कोई equation मान लिया है ax plus by plus c equal to 0, और इसको x equal to alpha हमने मान लिया, कोई value alpha, x equal to alpha और y equal to beta अगर इसको satisfy करता है, तो हम क्या लिखेंगे, then we say that alpha comma beta, यानी पहली वाली value x की होती है, दूसरी वाली value y की होती है, तो then we say that alpha comma beta is a solution of the equation ax plus by plus c equal to 0। मेरी बात को समझ पा रहे हो, अगर हम x equal to alpha and y equal to beta यानी कि इस equation में रखते हैं ax plus by plus c equal to 0 में, और वो equation को satisfy कर दी है, तो हम क्या बोलते हैं, then we say that alpha comma beta is a solution of the equation ax plus by plus c equal to 0। तो ये बात हो गई आपकी solution of linear equation into variable पे। इसमें दो पॉइंट हैं छोटे छोटे, इन पे भी हम जरा पढ़ लेते हैं। देखिए होता क्या है इसमें, दोनों पॉइंट पहले हम पढ़ लेते हैं फिर समझा देंगे। ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। देखिए जब हम लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल की बात करते थे, जैसे उसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता था ax plus by equal to 0, तो उसका सॉल्यूशन यूनिक होता था, है ना। और ये क्या है, ये लिखा है ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है, तो हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, इनमें इसमें इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होते हैं, बहुत सारे होते हैं। कैसे होते हैं अभी हम आपको समझाएंगे। जब एक्सरसाइज, ये एक्चुअली इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ एक्सरसाइज 4.1 और 4.2 का है, दोनों का है, क्योंकि दोनों को है नहीं बॉस, है ना, तो इसी लेक्चर में कर भी देंगे शायद। तो ये 4.1 और 4.2 का इंट्रोडक्शन पार्ट है, तो मतलब ये है कि 4.1 और 2 में हम दोनों को समझा देंगे कि इनफाइनाइट वैल्यू कैसे होती है लीनियर इक्वेशन के, ना। तो ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन हो गया। और दूसरा पॉइंट क्या है,
या फिर सॉल्यूशन ऑफ ए लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स इज नॉट यूनिक, यानी कि यूनिक वैल्यू नहीं होती, यूनिक का मतलब एक वैल्यू नहीं होती है, बहुत सारी वैल्यू होती है, उसे हम इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन ये बोल देते हैं बेटा, है ना। ठीक है, अब हम बात करते हैं, अब आइए अब हम इस पर बात करते हैं बेटा, ये हमारा हो गया, अब हम एक्सरसाइज पे बात कर लेते हैं। तो इंट्रोडक्शन पार्ट इसका हो गया है, अब हम एक्सरसाइज 4.1 बनते सबसे पहले बात करेंगे। देखिए एक्सरसाइज 4.1, तो एक्सरसाइज 4.1 है, एक्सरसाइज 4.1 है ना। तो अब देखिए भैया, तो सबसे पहला इसमें लिखा गया है, इसमें बेटा लिखा हुआ है फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन पहले हम पढ़ देना है आपके सामने, द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक, द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ ए पेन, यानी कि एक साइड में तो नोटबुक है ना, और क्या है इनके पास, और एक क्या है पेन है। अब ये बोल क्या रहे हैं, द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ ए पेन, राइट ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट, ऐसा कोई लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल लिखो जो इसे रिप्रेजेंट करे। तो फिर लिखा है कि टेक द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक बी एक्स रुपीज, तो यही मान लेते हैं, चलो लेट इसमें जो लिखा है वो ये मान लेते हैं, द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक, हमने मान लिया कि नोटबुक की जो कॉस्ट है वो क्या है एक्स रुपीज है ना, एंड द कॉस्ट ऑफ ए पेन ये आपके पास हो गया बाई रुपीज हो गया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास ये बोल रहे हैं ये नोटबुक है ना, और ये क्या है ये पेन है, नोटबुक का कॉस्ट एक्स हो गया और पेन का कॉस्ट बाई हो गया। अब क्या बोल रहे हैं उसको जरा अब देखिए, द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक यानी नोटबुक की जो कॉस्ट है इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ ए पेन, पेन की कॉस्ट की ये दोगुनी है, कौन सी ये वाली, यानी नोटबुक की जो कॉस्ट है पेन की कॉस्ट से दोगुनी है, टू टाइम्स है, ट्वाइस है। तो दोनों को बेटा इक्वल करने के लिए हमने आपसे बहुत कहा इसको ट्वाइस ऑफ कर देंगे, भाई मेरे पास आपसे तीन गुना धन ज्यादा है यानी थ्री टाइम्स दो गुना या मतलब ट्वाइस है, डबल है, तो दोनों को युक्ल करने के लिए आपका ट्वाइस कर दें दोनों युक्ल हो जाएंगे। तो वही तो इसमें ये है कि नोटबुक ऑफ ए यानी कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज ट्वाइस दैट ऑफ पेन, तो पेन से इसकी कॉस्ट डबल है दोगुनी है, तो दोनों को युक्ल करने के लिए हमने इसको दोगुना कर दिया। तो हमारे पास जो बेटा एक्स इक्वल टू टू वाई या एक्स माइनस टू वाई इक्वल टू जीरो, उसमें बोल क्या रहे थे क्वेश्चन में आपसे ये बोल रहे थे कि राइट ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ये आपकी लीनियर इक्वेशन हो गई टू वेरिएबल में, है ना। दिस इज ए आप देखेंगे इट इज ए लीनियर इक्वेशन इक्वेशन इन वन वेरिएबल, ठीक है ना, नहीं सॉरी इन टू वेरिएबल, इन टू वेरिएबल ये आपके पास हो गया है ना। ठीक है, कह रहा है कि टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। अब हम एक्सरसाइज अब हम क्वेश्चन नंबर टू पे बात कर लेते हैं, इसके एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर टू ऑफ एक्सरसाइज 4.1, तो क्वेश्चन नंबर टू पे बात कर लेते हैं। देखिए देखिए अब ये क्या बोल रहे हैं, एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस इन द फॉर्म ax + by + c = 0, इसे ax + by + c = 0 के फॉर्म में आप एक्सप्रेस करो, एंड इंडिकेट द वैल्यूज ऑफ a b एंड c इन ईच केसेस, और ईच केसेस में ए बी सी की वैल्यू को आपको इंडिकेट ये करना है ना, बहुत सिंपल सी बात है, इसमें जो करें वही हम आपसे करें, है ना, ये काम तो करना ही है क्योंकि एक्सरसाइज में जो बोला गया है उसे तो आपको करना ही पड़ेगा, है ना बेटा। तो अब ये है, चलिए फिर अब इसके जो फर्स्ट पार्ट पे हम बात करते हैं, फर्स्ट वाला पार्ट क्या है इसका, फर्स्ट वाला पार्ट ये है आपका हाँ ये लिखा हुआ है 2x, अब हम जैसे फर्स्ट वाले पार्ट पे बात करते हैं 2x plus 3y is equal 9.35 bar, इसको किसके फॉर्मेट में करना है, ax plus by plus c equal to 0 के फॉर्मेट में हमें इसे करना है। तो करना क्या है बेटा, ये चूंकि इस साइड है इसको हम यहाँ ले आते हैं, 2x plus 3y minus 9.35 bar equal to 0, ये इसके फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, ax plus by plus c equal to 0 के फॉर्म में हो गया, इस इक्वेशन को हमने इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब पूछ क्या रहा है, इसके बाद कह रहे हैं एंड इंडिकेट द वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी इस केसेस, तो कंपेयर जब हम बेटा करेंगे तो ए की वैल्यू 2 हो जाएगी ना, ए की वैल्यू 2 हो जाएगी, बी की वैल्यू 3 हो जाएगी,
और सी की वैल्यू माइनस का 9.35 बाहर हो जाएगी, ये आपके पास आ गया है ना। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट हो गया आपके पास। अब हम सेकंड वाले पार्ट पे बात कर लेते हैं, है ना। चलिए अब सेकंड वाले पार्ट पे हम बात कर लेते हैं। देखिए भैया सेकंड वाला पार्ट क्या है, सेकंड वाला पार्ट ये है आपके पास x माइनस वाई अपॉन फाइव माइनस टेन इक्वल टू जीरो आ गया। तो हमने क्या किया, हमने बेटा ये किया, इसका बेस वन मान लिया, इसका बेस वन मान लिया और एलसीएम ले लिया फाइव, वन फाइव जा फाइव इंटू यानी फाइव एक्स हो गया, माइनस फाइव वन जा वन इंटू वाई यानी वाई हो गया, माइनस वन फाइव जा फाइव का टेन मल्टीप्लाई ये 50 हो गया इक्वल टू जीरो। इसको हम वहाँ भेज देंगे तो फाइव एक्स माइनस वाई माइनस 50 इक्वल टू जीरो इंटू फाइव दैट इज जीरो, यानी इक्वेशन आ गई 5x माइनस वाई माइनस 50 इक्वल टू जीरो आ गया। ये किसके फॉर्म में आ गया, विच इज इन द फॉर्म, विच इज इन द फॉर्म ax प्लस by प्लस c इक्वल टू जीरो। अब अगर abc की वैल्यू अगर हमें फाइंड आउट करना है तो a की वैल्यू 5 हो गई इसमें, ठीक, a की वैल्यू 5 हो जाएगी, b की वैल्यू माइनस का 1 हो जाएगी और c की वैल्यू माइनस का 50 हो जाएगा। ये ABC की वैल्यू आ गई। क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर सेकंड के थर्ड वाले पार्ट पे बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड पार्ट आपके बोर्ड पे देखिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड वाला पार्ट, तो थर्ड पार्ट क्या आ गया, थर्ड पार्ट आपका ये है, ये कह रहे हैं माइनस टू एक्स प्लस थ्री वाई प्लस सिक्स इक्वल टू जीरो हो गया। हाँ तो ये ऑलरेडी एक्स प्लस बी बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो के फॉर्म में है, नहीं नहीं इजुक्ल है आपका, ये सिक्स इजुक्ल सिक्स है, इसको हम ये करेंगे माइनस टू एक्स प्लस का थ्री वाई माइनस सिक्स इक्वल टू जीरो, विच इज इन द फॉर्म आप लिखेंगे, विच इज इन द फॉर्म एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो पे। अब कंपैरिजन कर लेंगे, ए की वैल्यू माइनस टू, बी की वैल्यू थ्री, सी की वैल्यू माइनस का सिक्स आ जाएगी। ए की वैल्यू माइनस टू आ गया, बी की वैल्यू थ्री आ गया, सी की वैल्यू माइनस का सिक्स आपके पास आ गई। ये सेकंड का सेकंड वाला पार्ट हो गया, नहीं सॉरी सेकंड का ही थर्ड वाला पार्ट हो गया। अब सेकंड के फोर्थ वाले पार्ट पे बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड का फोर्थ पार्ट आपके स्क्रीन पे आपके बोर्ड पे। अब देखिए भाई सेकंड का जो फोर्थ पार्ट है लिखा है x इज इक्वल थ्री वाई लिखा है ना, तो हम इसे लिख सकते हैं बेटा x माइनस थ्री वाई इज इक्वल जीरो या x माइनस थ्री वाई प्लस जीरो इज इक्वल जीरो, जीरो का एंड करने कोई दिक्कत वाली बात नहीं। विच इज इन द फॉर्म आप लिखेंगे, विच इज इन द फॉर्म x प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो। कंपेरिजन जब बेटा कर लेंगे, यहाँ एक्स का कोफिशिएंट वन है, ए की वैल्यू वन आपके पास हो गई, बी की वैल्यू माइनस का थ्री हो गया, सी की वैल्यू जीरो हो गई, ये आपके पास हो गया। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड का फोर्थ पार्ट आपका हो गया है ना, बहुत आसानी से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कुछ समझ में है नहीं इसमें ना, बहुत सिंपल है। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड का फिफ्थ पार्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड के फिफ्थ वाले पार्ट से बात करते हैं बेटा। तो फिफ्थ वाला पार्ट क्या है आपका, फिफ्थ पार्ट है 2x इज इक्वल माइनस का 5y। बेटा हम इसको यहाँ ले आएंगे तो हो जाएगा 2x प्लस 5y इज इक्वल जीरो, या हम इसे लिख सकते हैं 2x प्लस 5y प्लस जीरो इज इक्वल जीरो। अब ये हो गया, विच इज इन द फॉर्म, विच इज इन द फॉर्म ax प्लस by प्लस c इक्वल टू जीरो, यानी a की वैल्यू क्या है बेटा 2 है, b की वैल्यू 5 है, c की वैल्यू 0 है। ये आपका हो गया सेकंड का फिफ्थ वाला पार्ट। अब हम सेकंड के सिक्स वाले पार्ट पे बात कर लेते हैं। सेकंड का सिक्स वाला पार्ट देखिए, सेकंड का सिक्स वाला पार्ट आप देखिए, सेकंड का सिक्स वाला पार्ट ये लिखा है आपका कि 3x प्लस 2 इक्वल टू जीरो हो गया। इट मीन्स इसे हम बेटा लिख सकते हैं 3x प्लस, देखो y का तो टर्म है नहीं, तो हम लिख सकते हैं 0 इंटू y प्लस 2 इक्वल टू जीरो, है ना भाई, 0 इंटू y 0 ही तो आएगा, तो 3x
प्लस जीरो इंटू वाई प्लस टू इक्वल टू जीरो आपके पास हो गया, विच इज इन द फॉर्म, विच इज इन द फॉर्म, विच इज इन द फॉर्म ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो। कंपेरिजन कर देंगे बेटा, ए की वैल्यू आ गई थ्री, बी की वैल्यू आ गई जीरो और सी की वैल्यू आ गई टू। ये आपका हो गया सेकेंड का सिक्स पार्ट। अब हम सेकेंड के सेवेंथ पार्ट पे बात करेंगे, सेकेंड सिक्स क्वेश्चन नंबर सेकेंड का सेवेंथ पार्ट आपके बोर्ड पे है। देखिए भाई ये लिखा है बाई माइनस टू इक्वल टू जीरो। देखिए इसमें x का नहीं, x वेरिएबल का कोई कोफिशियंट नहीं है, दैट इज जीरो है, तो जीरो हम मान लेते हैं, है क्या है ये, तो बेटा हम इसे लिखेंगे क्या, जीरो इंटू एक्स प्लस बाई माइनस टू इक्वल टू जीरो। जीरो इंटू एक्स जीरो ही तो आएगा, तो विच इज इन द फॉर्म, आप देखेंगे विच इज इन द फॉर्म, है ना, ये आपके पास हो गया ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो है। ए की वैल्यू क्या है इसमें जीरो, बी की वैल्यू क्या है वन है, भाई बी की वैल्यू वन है, बाई का कोफिशियंट वन होता है, जिसका कोई नहीं होता उसका ऊपर वाला होता है, ऊपर वाला एक होता है, ऐसे मान के चलते हैं कि उसका कोफिशियंट वन हो गया, और सी की वैल्यू माइनस का टू है ना, सी की वैल्यू माइनस का टू, विद साइन हम लेते हैं, प्लस साइन है तो प्लस के साथ लेंगे, माइनस साइन है तो माइनस के साथ लेंगे हम इसका, तो ए की वैल्यू जीरो हो गई, बी की वैल्यू माइनस, बी की वैल्यू वन हो गई और सी की वैल्यू माइनस का टू हो गई। अब इसका लास्ट वाला पार्ट हम देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकेंड का लास्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर सेकंड का हम लास्ट वाले पार्ट पे बात करते हैं, रिपीट वाला है उस पे हम जरा बात कर लेते हैं, हल्की से भी, है ना, एट वाला 5 इज इक्वल टू एक्स, जैसे एट पार्ट के हम बात करते हैं, 5 इज इक्वल टू एक्स हो गया, तो हमने 2x का मतलब बेटा ये है कि अब हम इसको अगर हम बेटा लिख सकते हैं 2x माइनस 5 इज इक्वल जीरो हो गया, या 2x माइनस फाइव इज इक्वल जीरो लिखा है, तो चूंकि इसमें बाई का नहीं है, बाई वेरिएबल है नहीं, तो हम उसका कोफिशियंट मान लेते हैं जीरो, प्लस जीरो इंटू बाई माइनस फाइव इज इक्वल जीरो आ गया। अब क्या है यहाँ पे, अब कंपेयरिंग विच इज इन द फॉर्म, विच इज इन द फॉर्म, विच इज इन द फॉर्म, विच इज इन द फॉर्म ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो हो गया आपके पास। अब देखिए क्या, तो इसमें क्या है कि विच इज इन द फॉर्म ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो। कंपेरिजन बेटा करेंगे तो ए की वैल्यू आ गई टू, बी की वैल्यू आ जाएगी जीरो और सी की वैल्यू आ जाएगी माइनस फाइव, ये आपका हो गया, क्योंकि वही तो उसमें कहा गया x is the following linear equation in the form ax plus by plus c equal to 0. इससे 0 के form में express आप करो, उसके बाद में क्या कर रहा था, indicate the value of a, b and c आप find out करो। तो बेटा ये आज जो हमारा इस वाले lecture में काम हो गया 4.1 में, हमने जिस पे बात की है वो आपका introduction part हो गया exercise 4.1 4.2 के लिए, है ना, और बाद बाकी 4.1 आपका exercise सारे question का, each and every question का सारे के सारे explain ये हो गया ना, इसमें कोई दिक्कत आपको आएगी नहीं। हमने आपको समझा दिया था बहुत पहले कि 4.1 का मतलब ये है बेटा, एक्सरसाइज नहीं, एक्सरसाइज तो आपका यहाँ पे है, एक्सरसाइज 4.1, 4.1 का मतलब ये लेक्चर ये है कि चैप्टर 4 का लेक्चर 1 है, अगला जो आपको आएगा वो 4.2 होगा, उसका मतलब होगा कि चैप्टर 4 का लेक्चर नंबर 2 है ना, तो ये चैप्टर 4 था लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का, है ना, ठीक है, इस पे हमारा काम हो गया। अगले वाले हम जो लेक्चर पे बात करेंगे वो बेटा हम एक्सरसाइज 4.2 पे बात करेंगे, ठीक है, आज हम यहीं पे रोक लेते हैं, थैंक यू, ओके।